साथियों, कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको पता है ना, हमारे देश इतनी मात्रा में नौजवान है, तो जरा ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मीडिया वालों के लिए भी नया होगा। आपको पता है हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है, और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी। और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफोर्स घोटाले होते रहे, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाले होते रहे। बुकपात्रोची मामा को वो वाला खेल कांग्रेस जारी रखना चाहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अब आप बताइए, देश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाली सरकार होनी चाहिए या दिवाली वाली या जो हर मौके पर, दिवाली हो या होली हो, हर मौके पर जो दलाली ही करना चाहते हैं? क्या दलाली करने वाली सरकार चाहिए क्या?